हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है, आप देखेंगे रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। गवर्नमेंट है लगातार बता रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को फार्मर्स अपनाएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करें। तो देखिए, एक नया डेवलपमेंट निकल के आया है। बताया जा रहा है लास्ट 3 सालों में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो डबल हुआ है। किसमें? एरिया में। मान लीजिए, पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर पहले 100 हेक्टेयर फार्मिंग था ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लैंड था, तो अब 200 हेक्टेयर हो गया लास्ट 3 सालों में, मतलब जस्ट डबल हो गया है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो क्या क्या वैसा गवर्नमेंट स्कीम है जिसके कारण आप देखेंगे किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का कितना स्कोप है, ये सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन इन नटसेल बता देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब का यूज नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो भी होता है नेचुरल तरीके से खेती करते हैं, जैसे काउडंग हो गया, या फिर आप देखेंगे वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर आप देखेंगे फार्म यार्ड मैन्योर्स हो गया। तो इसमें हम लोग बेसिकली नेचुरल तरीके से खेती करते हैं, कुछ भी अलग से कुछ वैसा केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। और देखेंगे इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रिसेंटली शहरों में, और बड़े बड़े शहरों हो गया, या फिर आप देखेंगे लोग जागरूक हो रहे हैं। एक हेल्दी जब खाना आप अगर कोई डाइट देखता है तो उसमें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र जरूर होगा। तो यही ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली होता है। अब इंडिया में क्या देखा गया है कि 29.41 लाख हेक्टेयर, 38.19 लाख हेक्टेयर और 59.12 लाख हेक्टेयर 2019-20, 2020-21, 2021-22 का ये आप डाटा देखेंगे। इतना तेज़ी से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो लैंड है, टोटल कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड हो गया एक तो, गया देखिए टोटल ज़मीन कितना है, और एक भैया कल्टीवेबल लैंड हो गया। कल्टीवेबल लैंड हो गया कि वैसा ज़मीन जिस पे हम लोग खेती कर सकते हैं, तो 140 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें देखेंगे आप इतना ज़्यादा जो धीरे धीरे ईयर वाइज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का खेती बढ़ रहा है। तो अगर जब जैसे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का खेती बढ़ेगा, किसान क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लेके आएंगे। तो यही यहाँ पर पिछले 3 सालों से देखने को मिल रहा है, और डबल हो गया है, जस्ट जो पहले था उसे जस्ट डबल हो गया। अब इसमें देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोग कर क्या रहे हैं कि सब कुछ एक एक आप उसको बोलेंगे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा ना ही कम। इसमें आप देखेंगे फर्टिलाइज़र का बैलेंस यूज हो रहा है, केमिकल ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स का भी बैलेंस यूज हो रहा है, ना के बराबर यूज कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद आप देखेंगे ग्रीन मैन्योर का यूज कर रहे हैं, और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है वो डबल हुआ है जस्ट पिछले 3 सालों में। गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम के तरह ये प्रमोट भी कर रही है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्कीम दिखा गया, परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया, उसके बाद मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये सारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिसके चलते किसान जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखेंगे डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि आप देखेंगे अगर कंपेयर करें जो आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उसमें आप स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दिखेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम दिखेगा। लेकिन आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा सा प्योर फार्मिंग माना जा रहा है, इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता है, केमिकल का यूज नहीं होता है। तो लोग जो ज़्यादा पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, इसको परचेज करने के लिए तैयार है, और किसान भी देखेंगे जब इससे अगर आप पेस्टिसाइड का अगर आप मार्केट में देखेंगे तो जो रेट एक नॉर्मल रहेगा, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मार्केट में आलू खरीदने जाओ तो अगर नॉर्मल आप आलू देखोगे तो 30 से 40 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो ये अगर जो ऑर्गेनिक रहेगा तो उससे श्योर है कि उससे ज़्यादा उसका दाम ज़्यादा होगा, और किसान को इसका ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसलिए किसान भी आप देखेंगे इसको प्रेफर कर रहा है, और गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम के तहत इसको आप जल्द देखेंगे प्रमोट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखेंगे सपोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ग्रुप फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ देयर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। अब देखिए जो भी किसान मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का कर रहे हैं उसका गवर्नमेंट यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेशन भी कर रही है, वहाँ पे उसको आप देखेंगे मार्केटिंग भी कर रही है, लोगों को बता रही है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है आप इसका फूड खाएं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ये सब कारणों से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। साथ में देखेंगे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो गंगा के दोनों साइड में है, गंगा किनारे आप देखेंगे दोनों साइड में जो एरियाज है उस पर भी सरकार जोर दे रही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लगाया जा सके, और किसान इसको भी आप देखेंगे यूज में ला सकें। तो क्योंकि पहले क्या होता है कि आप देखेंगे गंगा का पानी आता है, फिर कुछ टाइम के लिए सबमर्ज रहता है, फिर वापस जाता है। तो यहाँ भी गवर्नमेंट कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो कल्टीवेशन लैंड में लाया जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है।
ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनके द्वारा लोकसभा में रिप्लाई में दिया गया था। अब हम लोग कुछ स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है और ख़ास करके ऑर्गेनिक सेक्टर में, जिसको लेके आप देखेंगे फार्मर है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है, प्रोत्साहित फील कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें बताया जा रहा है मॉनेटरी हेल्प ऑफ 50,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स इज गिवन, और यहाँ पे बताया जा रहा है 62% इसका जो कि 31,000 है, ये तो इंसेंटिव ही दे दिया जाता है फार्मर्स को ऑर्गेनिक इनपुट परचेज करने के लिए। तो देखेंगे बहुत बड़ा एक स्कीम है जो फार्मर्स को मदद कर रहा है। दूसरा आप देखेंगे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें बताया जाता है फार्मर्स को असिस्टेंट दिया जाता है 25,000 पर हेक्टेयर पर 3 ईयर्स फॉर ऑर्गेनिक इनपुट्स। ऑर्गेनिक इनपुट्स में आप जो भी किसान खरीदेगा, जैसे मैन्योर हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, आप देखेंगे काउ यूरिन हो गया, काउ डग हो गया, जो भी चाहिए सबके लिए अगर खरीदने के लिए जो भी यहाँ पे चाहिए तो फार्मर्स को यहाँ इंसेंटिव दिया जा रहा है। और जो सेल्फ हेल्प FPOs वगैरह हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, वहाँ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 2 करोड़ तक का आप देखेंगे फंड प्रोवाइड करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अंडर सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, इसमें है 100% असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर सेटिंग अप मैकेनाइज फ्रूट वेजिटेबल मार्केट वेस्ट। यहाँ जो फ्रूट वेजिटेबल मार्केट वेस्ट होता है इसका उपयोग करने के लिए, इस वेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो भी यहाँ आप देखेंगे मैकेनाइज तरीके से जो एक पूरा प्रोसेस होगा उसको वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए, उसमें जो भी सेटअप होगा उसमें 100% असिस्टेंट दिया जाएगा और 190 लाख पर यूनिट तक दिया जाएगा। और आप देखेंगे जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको 33% तक लिमिट दिया जाएगा 63 लाख के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद देखेंगे नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एंड ऑयल पम्प, यहाँ है फाइनेंशियल असिस्टेंट एट 50% सब्सिडी टू टर्न ऑफ 300 पर हेक्टेयर इज बिंग गिवन, इसमें 50% सब्सिडी दिया जा रहा है 300 पर हेक्टेयर के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो किसानों को है स्कीम दिया जा रहा है जिसमें के तहत किसानों को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है जिससे किसान प्रोत्साहित करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करें। तो देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप देखेंगे धीरे धीरे और ज़्यादा आप देखेंगे लैंड जो है इसके अंदर आएगा, क्योंकि किसान को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है किसके द्वारा, फार्मर्स के, किसानों को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, खुद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जब गवर्नमेंट खुद एडवर्टाइज करेगी तो यहाँ किसान भी प्रोत्साहित फील करेंगे। यहाँ पे एक और बच गया, देखेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसमें क्या हो जा रहा है अंडर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और प्लांट प्रोडक्शन RS 500 पर हेक्टेयर और 50% ऑफ द कॉस्ट विच एवर इज लेस इज प्रोवाइडेड एज असिस्टेंस। यहाँ पे देखिए 500 पर हेक्टेयर और 50% का कॉस्ट तक का आप देखेंगे जो भी कम रहे उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, और मैक्सिमम कितना 2 हेक्टेयर तक दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे असिस्टेंट जो है यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, केमिकल हो गया, बायो पेस्टिसाइड हो गया, वीडिसाइड्स हो गया। वीडिसाइड्स क्या हो गया, वीडिसाइड्स हो गया जो वीड्स को मारता है। वीड्स क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपका कोई मेन क्रॉप है और कोई दूसरा क्रॉप उसमें आ जाता है तो आप क्या करेंगे, वो आपका मेन क्रॉप को नुकसान पहुँचाएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको वीडिसाइड्स बोलते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम के तहत किसानों को फायदा पहुँचा रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप देखेंगे यहाँ एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।